हाय गाइस, विनय सर रहने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने फोटो या पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। जिसके लिए आपको एक ऐप की मदद लेनी पड़ेगी जिसका नाम है B612। इस ऐप के थ्रू आप अपने फोटो व पिक्चर का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो मिनिमम 5 सेकेंड में, विदाउट कुछ सीखना भी नहीं है, कुछ लर्निंग नहीं करना है, बस सिंपल सा क्लिक करना है और फोटो का बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। तो इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को आपको ओपन करना है। ओपन होने के बाद आपको जाना है, यहाँ पर स्टिकर होगा, यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं स्टिकर पे क्लिक कर ले रहा हूँ। स्टिकर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू स्टिकर आ रहा होगा। न्यू स्टिकर में से थोड़ा सा नीचे जाना है आपको, धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे जाते जाना है धीरे धीरे। यहां पर लिखा है ऑटो कट, आपको ऑटो कट पे क्लिक कर देना है। ऑटो कट पे मैं जैसे क्लिक कर देता हूं, ऑटो कट पे क्लिक कर दे घनी आपको लिखा सिलेक्ट ए पोर्ट्रेट यू विश टू कट। कोई से फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना जिसको आप क्रॉप करना चाहते हो। तो जैसे मैं कि एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मैं क्रॉप करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक किया तो ये फोटो आ चुका है और ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाएगा। देखो कितने इजी तरीके से क्रॉप हो गए। और यहाँ से इसका हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपको रखना है वह कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर फोटो दिखाई देंगे, जिस फोटो पर क्लिक करोगे वो फोटो पीछे बैकग्राउंड में लग जाएगा। तो आप यहाँ पर जहाँ मर्जी सेट कर सकते हो, कितना इजी और साफ क्लियर क्रॉप हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया क्रॉप हुआ है, मिनिमम 2 सेकंड भी नहीं लगे। इसके पीछे ये वाला बैकग्राउंड लगाना है, कोई सा भी बैकग्राउंड लगा सकते हो जो उनसे आपको अच्छा लगे बेटर। तो मैं आपको कोई बढ़िया सा बैकग्राउंड लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि ये बैकग्राउंड लगाया और मैंने यहाँ पर इसे कर दिया। कुछ भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो बैकग्राउंड आप लगा सकते हो, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली, ये फोटो थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पर, इसमें भी बहुत मस्त लग रहा है। तो इसी तरीके से आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर आपको और इस फोटो को आपको सेव करना है तो यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है और ये फोटो आपका सेव हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और दोस्तों इस तरह की वीडियो इन फ्यूचर और भी बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।